ऐसा देखने से लगता है कि रात के अंधेरे में अदरस जीव ने इसके पेट में डंक मारकर सुखा दिया, और जब तक मैं इसको ब्रूडर में ले गया तब तक इसके साथ बहुत कुछ हो गया। अदरस जीव इस घर में घुसा हुआ है और सब लोग डंडा लेकर तैयार है उसे मारने के लिए। कल रात के कैमरे का फुटेज देखकर तो हम दंग रह गए। हमें पहले से ही शक था कि नाली के रास्ते कोई जीव आता है जो कि रोज हमारे गार्डन में सुरंग बनाता है और मरे हुए बीमार बर्ड्स को नुकसान पहुंचाता है। कैमरे की फुटेज में कोई काला सा जीव गार्डन से नाली की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्या यही अदरस जीव जिसने हमारे बर्ड हाउस में तबाही मचाई थी? हमने बर्ड हाउस में रात में चूहा जाल लगाया था कि कोई जाल में फंस जाए, लेकिन उस जाल में कोई भी नहीं फंसा। और सुबह जब हम पहुंचे तो देखा कि एक बॉक्स में कल रात के अंधेरे में इस बर्ड चीख के पेट में डंक मार दिया है। हम फिर से उस कैचर के पास चले गए, पर उस दिन कैचर ने हमारे दिए हुए पैसों ज्यादा पी लिया था और उसकी वजह से नाली में गिर गया था और अपना मुंह फुड़वा बैठा। हमने कैचर को फिर से कुछ पैसे देकर उस जगह पे बुला लिया। कैचर अब जाल बिछाकर अदरस जीव को पकड़ने की तैयारी करने लगा। काफी देर तक कैचर ने वेट किया, पर उस जगह पर कोई अदरस जीव नहीं फंसा। ऊपर से लटकने की वजह से कैचर का मुंह और सूझता जा रहा था। तभी बाहर से आवाज आई कि अदरस जीव ने ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गया है। हम सब डंडा लेकर उसको पकड़ने के लिए भागने लगे। लगता है कि अदरस जीव इस घर के अंदर छुपा हुआ है। कहां से? इस तरफ से, उधर से।